सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी और आप देख रहे हैं टॉक्सिक मार्वल यूट्यूब चैनल। और यार आज भी थॉर लव एंड थंडर की तरफ से एक लीक आया है, मतलब कि मूवी की एंडिंग लीक हो गई है एक बार फिर से। हाँ मैं इसके ऊपर एक वीडियो तो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मूवी की एंडिंग एक बार फिर से लीक हो गई है और ये वाली एंडिंग मुझे पहले वाली एंडिंग से कुछ ज्यादा ही पसंद आई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये वाली वीडियो मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएगा सुपर ह्यूब। तो देखो जो एंडिंग सीन लीक हुआ है उसमें दरअसल मूवी के लास्ट 30 मिनट है, जिसमें दिखाया जाता है कि अपने थोर भाई साहब और उनकी टीम जाती है ज्यूस के पास उसे बताने के लिए कि उसे मारने के लिए गॉड द गॉड बुचर स्वयं आ रहे हैं, लेकिन अपना ज्यूस सेरा ठरकी इंसान उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार वो थोर की बातों पर यकीन ही नहीं करता और उल्टा थोर को ही दुश्मन समझ कर उसे कैद कर लेता और उसे परेशान करने लगता है, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था। जो नंगा करके करना क्या चाहता था। इसी सीन के कुछ टाइम बाद थोर को पता चलेगा कि जेन फोस्टर को जो है कैंसर है और वो और भी फैलता जा रहा है जेन फोस्टर के माइटी थोर बनने के कारण, अब पता नहीं कैसे। हाँ लेकिन थोर इसके बाद जेन को बहुत समझाता है, लेकिन अब जेन को भी ऐसे ही रहना पसंद है क्योंकि यार वो माइटी थोर बनी रहकर ही थोर की मदद कर सकती है गॉड द गॉड बुचर के खिलाफ, और इसी कारण से आगे चलकर जेन की जो है मौत भी हो जाएगी। हाँ यार जेन मर जाएगी इस पिक्चर में, बुरा लग रहा है। फिर हमें अगले सीन में फाइट दिखाई जाएगी ज्यूस एंड थोर की टीम की, जिसमें थोर भैया ज्यूस को हरा देते हैं। ज्यूस का जो लाइटनिंग बोल्ट है वो आ जाता है वेलकरी के पास, अब पता नहीं उसने छीन लिया या फिर उसे मार कर ले लिया, आई डोंट नो, जिसका सबूत हमें ट्रेलर के इस सीन में मिलता है। हाँ और वो लाइटनिंग बोल लेने के बाद कुछ देर बाद वहाँ आ जाता है गॉड द गॉड बुचर और ज्यूस को मार देता है, जिसके बाद हमें दिखता है थोर वर्सेस गॉड द गॉड बुचर। और इसी लड़ाई के बीच वहाँ पता नहीं कैसे गॉड द गॉड बुचर की एक बेटी आ जाती है, अब कहाँ से आती है आई डोंट नो अगेन, और कहा जा रहा है कि पहले मर चुकी थी, मतलब मूवी में इसको पहले मरा हुआ दिखाएंगे। और उसके कुछ देर बाद गॉड द गॉड बुचर को भी थोर मार देता है, जिसके बाद मूवी वहीं एंड हो जाती है। अब देखो इस मूवी के एंड होते होते हमें अपना पुराना वाला थोर फिर से मिल जाएगा, जिसके पास म्योनर भी होगा और स्टॉर्म ब्रेकर भी, क्योंकि जेन जो है वो मरने से पहले फिर से थोर को म्योनर देकर ही जाएगी। और यार मूवी एंड होने के बाद हमें दिखने वाले दो पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि कंफर्म है और जिन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए रखा है जो आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा। तो यार अगर आप जानना चाहते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होने वाला तो इस वीडियो पर टच कर दो और जाकर देख लो। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता है अगली वीडियो में, आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।